नमस्कार, कमोडिटी मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हम मेंथा का आउटलुक देखेंगे। मेंथा की अगर हम बात करें तो मार्केट कल एक सुस्त रेंज में ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया। फिर से अगस्त फायदे के अंदर हम देखें तो कल बिकवाली हावी थी और जो लेवल्स थे जैसे 960-965 के इंपॉर्टेंट लेवल थे, प्राइजेस उसके नीचे फिर से लौटती हुई दिखाई दी। बट कहीं ना कहीं प्राइजेस को एक सपोर्ट दिखाई दे रहा है जो पिछले हफ्तों में मिला है। वीकली बेस पे 1% की गिरावट और पिछले एक महीने में 7% की गिरावट हमने मेंथा में ऑलरेडी देखी है। मूविंग एवरेज वाइज की बात करें तो प्राइजेस जब तक 965 के नीचे ट्रेड कर रहा है, कहीं ना कहीं ट्रेंड साइडवे टू नेगेटिव रह सकता है। RSI ओवरसोल्ड जोन से निकलने की कोशिश कर रही है, CCI भी ओवरसोल्ड जोन से निकलने की कोशिश कर रही है। ATR 26 पे है जबकि ADX 23 है, जो कहीं ना कहीं बताता है कि मार्केट में वॉलेटिलिटी रहेगी। अगर हम आज के लेवल की बात करें तो मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। जब तक 950 के ऊपर मेंटेन है, 950 के ऊपर जाने पे हम 965 से लेकर 970 तक का भी लेवल आज देख पाएंगे। ओपन इंटरेस्ट 1000 के ऊपर का है जो कहीं ना कहीं प्राइसेस को सपोर्ट करेगा। फंडामेंटल साइड कोई मेजर चेंजेस हुआ नहीं है। हमने देखा बेटर वेदर कंडीशन के चलते यील्ड में जो इंप्रूवमेंट थी, डिमांड में फॉल था और कैश क्रंचेस के चलते प्राइसेस में फिर से दबाव बना है। बट धीरे धीरे जैसे जैसे अनलॉकडाउन हो रहा है, कहीं ना कहीं प्राइजेस को आने वाले टाइम पे और सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा जो प्राइजेस को सपोर्ट करेगा। टेक्निकली भी हमने देखा कि 920-925 का जो लेवल है वो काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इस बार भी हमने देखा प्राइजेस में गेन आया है 26 जुलाई से, लेकिन प्राइजेस 970-72 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाई। ये 200 मूविंग एवरेज काफी इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं जून महीने में भी जैसे ही प्राइजेस ने 200 मूविंग एवरेज का लेवल ब्रिज किया था, तब हमने देखा कि 950 के ऊपर जाने पे करीबन 1140 तक का लेवल देखा था। इससे पहले भी हमने देखा था कि जुलाई महीने में प्राइजेस ने थोड़ा सपोर्ट लिया था 200 मूविंग एवरेज पे, बट उसके बाद गिरावट आ चुकी थी। उसके बाद कभी भी 200 मूविंग एवरेज के ऊपर नहीं निकले। तो आप ध्यान रखिए, बड़ी तेजी के लिए हमें 200 मूविंग एवरेज मतलब 970-975 का रेंज वीकली बेस पे तोड़ना होगा, तभी हम नई तेजी के लिए तैयार हो पाएंगे जो 1025 से 1060 भी दिखा दे। अदरवाइज मार्केट एक सीमित दायरे में ट्रेड करेगा। खेतों में करीबन 10-12% की ही क्रॉप बची है, कोई मेजर इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। बारिश काफी एक्टिव है इस वक्त यूपी बेल्ट में भी, जिसकी वजह से थोड़े बहुत अराइवल डिस्टर्बेंस हो सकते हैं, बट इन ऑल थिंग्स वुड बी पॉजिटिव। सीजनलिटी की बात करें तो जुलाई में हमने ऑलमोस्ट 7% की गिरावट देखी, क्योंकि जून में 17% की तेजी देखी थी, उसके बाद इतनी गिरावट तो बनती है। बट अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में देखेंगे तो तेजी रहेगी, क्योंकि अब अनलॉकडाउन हो रहा है जो कहीं ना कहीं प्राइसेस को सपोर्ट करेगा। तो आज के लिए मेंथा ऑयल लेके चलिए 960-965 के टारगेट के लिए। अधिक जानकारी के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा मोबाइल ऐप है KDI एडवाइजरी, जो गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। इस ऐप में और टेलीग्राम पे हम आप तक इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी के तो अपडेट लाते ही लाते हैं, साथ में मेंथा के भी रिलेटेड सभी न्यूज और अपडेट लाते रहेंगे। अधिक जानकारी के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल में हम आप तक इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी के अपडेट लाते रहेंगे। धन्यवाद।